कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अब मैदान में उतर आए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव का प्रचार अभियान तेज हो गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने 12 सितंबर को आगर जिले में कांग्रेस पार्टी का प्रचार किया था। 13 सितंबर को इंदौर के सावर विधानसभा सीट पर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। कमलनाथ रविवार को इंदौर जिले के सावर क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद्र बोरासी गुड्डू के पक्ष में आम सभा को संबोधित कर रहे थे। इस सभा में सभी नेता एकजुट दिखाई दिए और साथ मिलकर लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने इंदौर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर अर्जुन बड़ौदा गांव में आयोजित सभा में बीजेपी पर तंज कसते हुए कई सवाल किए और कहा, मेरी सरकार ने राज्य के 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। मैं शिवराज सिंह चौहान को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुले आम चुनौती देता हूं कि वो मेरी इस बात का खंडन कर के दिखाए और आगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि मुंह चलाने और प्रदेश चलाने में अंतर होता है। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। मंत्रिमंडल में रहे हुए मेरे राजीव पटवारी जी, हमारे विधायक कल्याण पटेल जी, संजय सुंदर जी, भूतपूर्व विधायक अंतर सरकार जी, अनिता जयसवाल जी, राजीव बघेल जी, मनोज लदानी जी, मेरे बहुत पुराने साथी सत्यनारायण पटेल जी, अश्विन जोशी जी, सोरा पटेल जी, प्रेमचंद गुड्डू जी, चिंतू चौकसे जी और सभी आए हुए बड़े जोश के साथ आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।